जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी मेडिकल अपडेट का इंतजार कर रहे थे। बहुत दिनों से मेडिकल का अपडेट नहीं आ रहा है। इससे कुछ रीज़न है, कुछ कैंडिडेट जो है कि उसका रीज़न जानते भी होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो थोड़ा दिन वेट कीजिएगा, आपको हम जरूर बता देंगे। और मेडिकल आज अपडेट आप लोगों को हम देने वाले हैं कि क्या अभी तक मेडिकल किस तरह से चला है, किस तरह का प्रोसेस हुआ है, क्या रेशियो रहा है मेडिकल का, डीएमई का और आरएमई का। तो सारा कुछ अपडेट आप लोगों को हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। दोस्तों देखिए, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। जो भी कैंडिडेट अग्निवीर सोल्जर टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए मार्केट में एक नई बुक लॉन्च हो चुकी है, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से है। इस बुक की अगर खासियत की बात करें तो इस बुक में आप लोगों को 2450 से भी ज़्यादा बहुविकल प्रश्न आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ 50 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को देखने को इसमें मिलेंगे। यदि आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसे अमेजोन फ्लिपकार्ट से परचेस जाके कर सकते हैं। तो मेडिकल का है, चाहे वो कहीं भी किसी भी सेंटर पे चल रहा हो, चाहे वो ITPP में चल रहा हो, चाहे वो CRPF में चल रहा हो, अपडेट कुछ ऐसा है कि जो DME का रिजल्ट है वो लगभग 30 से 40 के बीच में आप लोग का रेशियो रह रहा है। कभी कभी का जो है वो 50% भी रहा है। जैसे कि जो 25 सारे कैंडिडेट था उनका रिजल्ट जो है 50-50 रहा था, मतलब 45 कैंडिडेट पास हुए थे और 45 कैंडिडेट जो है कि रिजेक्ट हुए थे। लेकिन ओवरऑल आप अगर आप देखिएगा तो 35 से 40 के बीच में ही आप लोगों का DME का रिजल्ट आप लोगों का रह रहा है। मैक्सिमम लोगों को जो पॉइंट मिल रहा है आईज़ को छोड़कर और कुछ मेजर प्रॉब्लम है उसको छोड़कर, सभी जो है कि री मेडिकल में क्लियर हो जा रहा है। री मेडिकल का जो रिजल्ट रह रहा है वो लगभग 80% के आसपास रह रहा है री मेडिकल का। जिसका भी अगर हार्ट टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, उन लोगों को थोड़ा सा रिजेक्शन मिल रहा है। जिनका आईज में प्रॉब्लम है उनको रिजेक्शन मिल रहा है, बाकी किसी को भी रिएक्शन नहीं मिल रहा है, सब कुछ ठीक है। DME का थोड़ा सा रेशियो थोड़ा सा ख़राब है और प्रोसेस थोड़ा सा लंबा चल रहा है। प्रोसेस इन द सेंस कि लंबा चलने का मतलब ये है कि जो आप लोग का मेडिकल चल रहा है उसका प्रोसेस थोड़ा लेट है, मतलब कि टाइम लग जा रहा है, 3-4 दिन का समय लग जा रहा है DME में। बीच में छुट्टी होने के कारण और भी समय लग जा रहा है, तो और उसके बाद जिनको भी री मिल रहा है उनको 3-4 दिन का समय और लग जा रहा है। तो इस तरह से करके अगर आपको री मिलता है तो करीब 8 से 10 दिन का समय आप लोगों को लग जा रहा है मेडिकल को क्लियर करने में। यदि आप फिट हैं तो आप क्लियर हो जाइएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा पॉइंट किस में मिल रहा है। तो देखिए, पॉइंट सबसे ज़्यादा तो मिल रहा है आइज़ में और नोकनी और एल्बो में ही सबसे ज़्यादा पॉइंट आप लोगों को मिल रहा है। बाकी और भी छोटा मोटा रीजन है जिन किसी को भी होता है, और ये हम रेशियो आप लोगों का गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का बता रहे हैं, क्योंकि झारखंड में गर्ल्स का जो है मेडिकल वो 24 तारीख को ख़त्म हो गया है। 24 तारीख लास्ट रिपोर्टिंग था और कुछ कैंडिडेट जो बची हुई हैं जिनका रिपोर्ट नहीं आया है वो सारे कैंडिडेट सभी हैं। और किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं है, पासिंग रेशियो अच्छा है। कुल मिलाकर अगर आप ओवरऑल देखिएगा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे लेकिन अच्छा है, क्योंकि री मेडिकल में भी अच्छे कैंडिडेट पास हो रहे हैं, DME में जो पास हो रहे हैं तो हो ही रहे हैं, लेकिन री मेडिकल में भी अच्छा कैंडिडेट पास हो रहे हैं। तो ये सब ओवरऑल जो है वो रेशियो रह रहा है वो दोनों सेंटरों का जो भी है। थोड़ा सा एक जगह सेंटर पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है और ITPP में थोड़ा सा जल्दी हो जा रहा है, बस यही फ़र्क है और कोई विशेष फ़र्क नहीं है। रेशियो दोनों का सेम है, चाहे वो DME का हो चाहे वो RME का हो, दोनों का सेम रेशियो है। तो यही सब था ओवरऑल जब तक अभी तक जो मेडिकल चला है। लगभग 2 सप्ताह का टाइम गुजर चुका है मेडिकल को स्टार्ट हुए हुए, और पूरा ओवरऑल यही था रेशियो अभी तक का। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम था, 30% के आसपास था DME का, और अभी थोड़ा सा बढ़ के हो गया है, लगभग 40% के आसपास जो है कि 35 से 40% का रेशियो हो गया है DME का। तो यही है डिफरेंस स्टार्टिंग से और अभी तक का। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा और टाइम लग रहा था, अभी थोड़ा सा कम समय लग रहा है, प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट हुआ है। और ये हर जगह का हम रिपोर्ट बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम झारखंड का बता रहे हैं। हर जगह कैंडिडेट, हर जगह जो भी कैंडिडेट हैं, जिस भी स्टेट से हैं, जो भी मैसेज करते हैं, वो सारे लोग यही बता रहे हैं कि रेशियो उनका थोड़ा सा ख़राब रह रहा है DME का। तो घबराना नहीं है, आप लोग ज़रूर पास हो जाइएगा, और आपको लिखिएगा ज़रूर नीचे में कमेंट में कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को। और जो भी डिमांड होगा आपका, वीडियो जिस भी चीज़ का आप डिमांड करेंगे वो वीडियो हम लाने का ज़रूर से कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग किसी और अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।